रेहान ने आज होशियारी के सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। रेहान तुमने सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। ट्रिप निकल रही है तो सोचिए किस चीज से गिठान बांध रहा होगा। कपड़े कोई टिश्यू से। ये ना इतना बड़ा पागल इशारा है। साइकिल चलाने उसका मन हो जाएगा। रिजल्ट से फिर लास्ट में गोद में लेके घुमा दो। अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग करने जो कि मुझे नहीं आती है। आती है अच्छे से नहीं आती। कुछ देना पड़ेगा क्या उनको? नहीं फ्री फ्री है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है बिफोर आई डाई। वहाँ पे एक बोर्ड था जहाँ पे आप अपनी विश लिख सकते हैं जो आप मरने से पहले करना चाहते हैं। तो इनकी बच्चों जैसी विश थी, इसको सिंगिंग करना है, इसको डेविड वार्नर से मिलना है। और यहाँ पे मैंने अपनी विश लिखी है कि मुझे हज पे जाना है अम्मी पापा के साथ, क्योंकि अम्मी डरती हैं वो अकेले शायद ही कभी जाएंगी। तो मेरा मन है कि जब भी मैं जाऊँ तो मैं उनके साथ जाऊँ। इंशाल्लाह आप सब दुआ में याद रखिएगा। मुझे अकेले हज पे नहीं जाना, मुझे अम्मी पापा के साथ हज पे जाना है। तुम तो सब कुछ लिख रही हो जैसे वो बोर्ड वाले आएंगे और बोलेंगे चलो ऑस्ट्रेलिया जाना है। किससे मिलने? डेविड वार्नर। तो फ्रेंड्स हम लोग दुआ करते हैं कि हम दोनों के साथ साथ जिसने भी इसमें सारी विशेज लिखी है सबकी दुआएं कबूल हो। सबको वर्ल्ड घूमना है, किसी को हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है, हम सबको भी हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है। और मुझे हज पे जाना है अम्मी पापा के साथ सबके साथ, और इसको डेविड वार्नर से ऑस्ट्रेलिया जाना है, और इसको सिंगर बनना है। और अब ये आए हैं, ये अपना कुछ बताएंगे। तुम अपना इधर लिखो ना। बता मैंने सोच रही मैंने कहाँ पे लिखा होगा। ऑस्ट्रेलिया। देखो अम्मी ने फिर से यहाँ पे फूल देख लिए हैं और वो फिर से फोटो क्लिक कराने आ गई है। हमारी मजबूरी है, क्या मत मानो, हमारी कमजोरी है। कमजोरी है जहाँ भी फूल देखते हम, मतलब हम कोशिश भी करते हैं कि आप नहीं खिंचवाएं, लेकिन हमारा पता नहीं वहीं आ जाते, दिल नहीं मानता हमारा। अम्मी हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है तो हम आपको ऐसे बंगला बनाते हैं, ऐसे पूरी फुलवारी भर देते हैं। तो बंगला मत बना दिया, कह दिया तो बना दिया, बस जहाँ फूल देखो मेरी खींच दिया करो। ठीक है। तो अब ये दोनों रेसिंग करने वाले हैं साइकिल की, लेकिन प्लीज हाँ ध्यान से, मुझे बड़ा डर लगता है बच्चे अगर रोड पे भी दौड़ते हैं तो मुझे लगता है ए गिरे अम्मी लोग गिर जाएंगे। देखते रह जा रेहान में कौन जीतता है, दोनों का साइड हम किसी ने खेल के साथ सही बोलो। हाँ, दिल किसके साइड है? मतलब दिल खेल तो रेहान के साइड है, रेहान के पास है, लेकिन ये चीज तो बेहद दोनों की है ना। हाँ। तो इसलिए दोनों को सही देखेंगे, इसमें गद्दारी। और ठीक है, रेस मत लगाओ, ये जज्बाती लड़का है और ये बहुत तेज चला देगा। अच्छा एक एक दिमाग करते हैं, हमें एक नया चैलेंज जो सबसे स्लो चला के पहुँचेगा। हाँ खड़ी हो आवा तक। Get set, go, but slowly, slowly. It's a slow race, don't forget. अरे तुम्हें नीचे पैर नहीं रखने हैं। रेजापीने रोका? हाँ रोका, गलती हो गई। चलो यहीं से बोलो। It's all about balancing. रोका? हाँ चलो, तुम दूसरे को मत देखो, अपने गेम में ध्यान दो। रेहान, रेहान इज विनिंग द कॉम्पिटिशन। कम ऑन रिजा, कम ऑन रिजा। बीच में काफी ब्रेक लगाया तो जीतता है रेहान। अम्मी मेरे दिल में डर बैठ गया, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ? मुझे डर लगता है तेज साइकिल चलती है तो नहीं, या नहीं, कोई तेज दौड़ता है तो नहीं, नहीं, वो डर खत्म करो। कैसे करो अपने से? और वो मैं ना रिजर्वान पे भी हावी कर रही हूँ। वो सोच पे होता है, अभी देखो यहाँ कोई नहीं है ना। चलो चला चलाने, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड में ब्रेक लगा नहीं पाएगा, कुछ हो जाएगा। चल इसके पैडल ना बहुत ढीले हैं, अगर तुम एक पैडल मारोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। चल भी बहुत फास्ट है पैडल। हाँ। सीखा भी नहीं।
और एक हाथ से चला रही थी, गिरते से बची। हर बार हाय हाय नहीं। ऐसे ये ले लो, वो छोटा है, ट्राई कर। नहीं दूर आगे आ जाओ, फिर तो घोड़े में बैठ जाओ। कौन? तभी नहीं, मैं तुझे धक्का लगा दूंगी। हाँ धीरे से चलो, नहीं बन पाएगा। अरे स्टार्ट करने के लिए एक तो मारो बाहर आगे। हाँ अरे ब्रेक नहीं दबाओ, आगे जाओ। अरे ब्रेक छोड़ो, ब्रेक हाथ छोड़ो। देखा मैं बोल रहा स्लाइंड है, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो यार, पी नहीं गिरोगी, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो। तुम मत चलना वापस, नहीं। ये लोगों ने साइकिल चलाई है और हम पैदल घूमते रहे इनके पीछे पीछे। फोटो भी क्लिक हो गई और हम लोगों ने बहुत मजे भी कर लिए। आज हमारे यहाँ पे सेकंड डे है और बस थोड़ा बहुत जो भी निकल रहा है आप सबको दिखा रहे हैं, तो आप भी घर बैठे एंजॉय कर सके। सिर्फ खाना ही है जो हम आपको वहाँ से नहीं खिला सकते, तो हम लोगों ने काफी रेसिपी भी बताई है। तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाओ और बैठ के ब्लॉग्स देखो। और जितनी देर इन लोगों ने साइकिल चलाई है उतनी देर हम पीछे पीछे घूमे, इनके बैठे नहीं। अच्छी बात है ना अम्मी, वॉक करना चाहिए। तो अब अम्मी कह रही है भैया मेरे साथ रील बनाओ। कौन से गाने पे अम्मी के साथ मैं रील बनाऊं? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। अरे बाबा भाई अम्मी माशाल्लाह। देखो माँ होके क्या जिम्मेदारी निभाई है, अपना मास्क दिया था मैंने हिफाजत के तौर पे, अमानत के तौर पर, कहीं छोड़ के आ गई है। हम रखे हैं पास से अपनी अमानत लो। हाँ तो छोड़ के तो आ गई थी, कोई ले जाता तो ढूंढ के तो दिया ना। हाँ मास्क ऐसी चीज है कोई चुराता भी नहीं, एक दूसरे के मुँह का लगा हुआ। बोलते ये जो दीवार है इस पे लिखा है कि आप मरने से पहले क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो आपकी तमन्ना क्या है। हमारी तमन्ना, हाँ रेजा ने लिखा है उसको सिंगर बनना है। हाँ हमारी तमन्ना तुम्हें अच्छा सा दूल्हा मिले। अल्लाह कुछ भी नहीं जाके क्या यही इंग्लिश में है। क्या शानुप्ति की शादी हो जाए और अच्छा। जाते जाते इन्होंने एक और पेड़ के पास फोटो क्लिक करा ली। अम्मी क्या देखो, बच्चे कहते हैं अम्मी को सूट पसंद है, ये हकीकत में सही, सूट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सूट से भी ज्यादा मुझे फूल पसंद है। सो स्वीट अम्मी, कितनी अम्मी की मासूम सी ख्वाहिश है ना। रूम नंबर 751 में एक कैफे लाते और वन पोर्शन ब्रेड टोस्ट करके। और निशानु भाई हंसना नहीं, रूम नंबर 751 में दो कप चाय, मसाला चाय और वन पोर्शन ब्रेड टोस्ट करके और एक कैफे लाते हैं। नेस कैफे चलेगा? वो नहीं, कैफे लाते नहीं, नहीं नहीं चलेगा, नहीं नहीं वो नहीं फिर चाहिए। तेज है देखते चलो आधे घंटे, लेकिन फिर चेंज करने में बहुत वो होएगा। बस फ्रेंड्स इस वक्त पता नहीं मैं आपको दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे कल वाला ब्लॉग अपलोड करना है, इसलिए हम अम्ब्रेला लगा के जा रहे हैं बाहर। अरे मुझे तो मत भिगाओ, तुम अपना खाओ, तो इसको खाने की भी अभी पड़ी। भाई साहब ये कौन सी लड़की है, अम्ब्रेला में खा रही है बाद में खा लेती। पे तुम लोग जाओ मैं यही खड़ी रहूंगी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो अमिताभ था और ऋषि कपूर था, वो छाता लिए खड़ा रहता है, मर्द? हाँ मर्द, मर्द क्या बोलता है वो? मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मर्द छाते वाला। ब्लॉग अपलोड होने वाला है, अब हम जा रहे हैं घर, घर नहीं मतलब अपने विला। आ जाओ फॉलो मी फ्रेंड्स, इसके मम्मी पापा चले गए तो ये भी जा रहा है। क्यों हम तुम्हें नहीं कुछ करते, हम तुम्हारे कोई नहीं है बताओ। मैं भी कुछ नहीं समझता, तुम इसे इतना खाना खिलाती हो फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। जाओ लेके जाओ।
नीला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। दे देना मुझे दुपट्टा अपना, अभी ले लो। नहीं जब कभी तुम ये ले लो और जो तुम्हारे तीन आ है डालने के लिए उनके दुपट्टा हमें दे देना। कल फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी कौन से दुपट्टे मांग रही है। अगर मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे ये पीठ दुपट्टा आप लोग दिलवा दो, ठीक है, दे देती है, लेकिन तुम बोलोगी तो और जल्दी दे। क्या देख रही हो रिजा? सालू ने वीडियो डाला है तो हम देख ले, उसका देख रहे हैं, आप लोग भी देखो। वो भी अपने नीचे रूम में आए, बाकी रहे हम लोग ऊपर रहते हैं। आपने देखा होगा अम्मी का रूम, यहाँ पे हम तीनों रात में सोते हैं। तो हम लोग के आइडिया आया दिमाग में कि रेहान को हम लोग रात में भूत का प्रैंक करके डराते हैं। क्या कहती हो? सच में, लेकिन बहुत तेज चिल्लाएगा वो, लोगों को शक ना करे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम फोन कहाँ रख सकते हैं। हम लोग को एक्टिंग करनी है। अच्छा, मतलब जैसे अब हाँ फोन कहीं रख देंगे और सो जाना, लेट जाना। मैं आऊंगी बोलूंगी रिजा मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे, तुम भी डरना, और तुम बोलोगे शाहरुख ऐसे मत बोलो, और मैं कह दूंगी लॉक भी नहीं खोल रहा, मैंने खोलने की कोशिश की। दो पल सक्सेसफुल हो पाते या नहीं वो हम आपको फिर दिखाएंगे, आप देखना। तो फ्रेंड्स जो रिहान है ना वो यहाँ पे सोता है और हम यहाँ पे फोन रख देंगे उसका ध्यान। अच्छा, आप सबकी दुआओं की वजह से YouTube पे मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आप सब में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, जबरदस्ती नहीं है। कुछ कहना चाहते हो? सबसे पहले अम्मी। क्या कहना चाहती हो? अम्मी मेरे 15 लाख दोस्त हो गए, जैसे आप अम्मी के वर्ड में दोस्त। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। चलो थैंक यू। और कुछ? बस फिर बाद में बोलेंगे आराम से। तुम जो बोलो डिसाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? सबको थैंक यू। अरे वाह, तो मेरी तरफ से भी सबको थैंक यू। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे तुम लोग। आप क्या कहना चाहते हो भाई? मैं नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। एज यूजुअल जैसे सब बोल रहे हैं कि आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, स्पेशली इसके लिए क्योंकि ये है और शुरुआत ये करने वाली है, हम सबको लाने ये वाली है। और सच में इतना प्यार दिया है आप सबने, इतना प्यार दिया है आप सबने कि इब्राहिम फैमिली से पहला इंसान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आई थिंक हमारी एक वन ऑफ द फैमिली, फैमिली ऐसी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही इंसान की तीन तीन चार चार चैनल, लेकिन आई थिंक एक फैमिली में तीन लोग हैं और तीनों के मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा शुक्र की बात है, आप सबका प्यार है, तो वैसे सबको प्यार देते रहिए, स्पेशली इसको। सब के भी 15 लाख हो गए हैं, इसके ऑलरेडी 2 मिलियन हो गए हैं, और आपके भी हो गए, 15 से ज्यादा ही हो गए। मेरे 15 से ज्यादा हो गए हैं, तो बस इंशाल्लाह हम सबकी गाड़ी धीरे धीरे स्लोली 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 चल रही है, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप सब प्यार देते हैं, मतलब सही बात है। चलो ठीक है, सब्सक्राइबर तो है, लेकिन जिस तरीके से आप वीडियोस को प्यार देते हैं, आप इंतजार करते हैं कि नहीं आपके ब्लॉग्स नहीं आए, कभी कभी आप डांट भी देते हैं, तो ठीक है, एक मोहब्बत है वो। हाँ, तो इसलिए आज डर की वजह से मैं बारिश में अनलिस्ट करने गया था, मैं वहां पे नहीं, टाइम पे जाना चाहिए ब्लॉग। तो दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोएब ने आप सबको शुक्रिया बोला, उसके मैं हर एक वर्ड मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ एक दूसरा पहलू जो है सबा की मेहनत। अच्छा। जो जेन्युइनली वो एक ऐसी चीज है जिससे कई लोग जो जैसे सबा फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट हुई है, तो कई लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये जिस तरह से वो कमिटमेंट समझ के प्रेशर लेके, जैसे हम आई डोंट नो आज के ब्लॉग में गया क्या कि वो इसने रेहान ने बोला कि अब तो मत करवाना, फोटोशूट मत करवाना, लेकिन वो उसका कमिटमेंट है कि वो चाहे जो वो अपना एंजॉय भी कर लेती है, वो हम सबके साथ बैठ भी लेती है, जब उसको जाना होता है वो आराम से अपना जाके टाइम पे एडिट भी कर लेगी, सब कर लेगी। तो उसकी कमिटमेंट, उसका हार्डवर्क कोई डिनाई नहीं कर सकता। आना एक चीज होती है, सस्टेन करना और उस चीज के साथ ग्रो करना, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और वो इस लड़की ने की है। नहीं। तो उसके थैंक यू, लेकिन ये सब मेहनत और ये सारी लगन तो आपसे और भाई से ही सीखी है कि कुछ करना है तो दिल से करना है। ये पर करती तू ही है ना, मेहनत डालती तो तू ही है ना। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आमतौर पे कि लोग बीच मझधार में कभी कभी अगर उनको नहीं सक्सेस मिलती है, कोई चीजें नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा टूट जाते हैं या मायूस हो जाते हैं। लेकिन तुमने वो चीज अपने साथ नहीं होने दी, तुमने भी स्क्रैच से शुरू किया। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपका किसी चीज का मन है, आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें ब्लॉगिंग शुरू करनी है, हम कैसे करें। तो ब्लॉगिंग शुरू करने में कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस आपको एक फोन चाहिए और आपको बात करनी है, आपको लोगों को मिलाना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपनी फैमिली को, आप कैसे ब्लॉग निकाल सकते हैं वैसे निकालना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से नहीं ग्रो कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हर चीज को वक्त लगता है। लेकिन अगर आप
मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ऐसा काम जिसकी आपकी ख्वाहिश है करने की आप डेफिनेटली करो, लेकिन वो सही काम होना चाहिए और उसका रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप अपने एम की तरफ फोकस्ड हैं और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आप ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। बिल्कुल, उसमें से ये बात है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे प्रतीक भाई? बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मेनी मोर टू कम। थैंक यू सो मच सेम, कांग्रेचुलेशंस, और जल्दी जल्दी आप 2 मिलियन करा दीजिए इंशाल्लाह। अंकित, ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे को एक चीज सीखनी, क्योंकि हम जब ये ब्लॉग बनाते तो भी नेक्स्ट ब्लॉग का मैं पूरा रात भर सोचता हूँ कि अगला ब्लॉग क्या बनाऊं, लेकिन हम बातें करते करते ऐसे मतलब ये टॉपिक यूं आ जाते हैं। ये चीज है सबक, ये सबक की एक चीज है कि हम लोग सोचते हैं अच्छा अब कल क्या ब्लॉग बनाए, क्या हो, कुछ नया, लेकिन सबक कैसे मतलब इतनी, अगर आपने नोटिस किया हो कि इतने सब लोग हम साथ में होते हैं, ऑलमोस्ट हम सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन सबक किस तरीके से सुमड़ी में बैठे बैठे वीडियो निकाल के हम यहाँ परेशान होते हैं, यार अब क्या निकालें, हम ये भी दिखा चुके हैं, लेकिन सबक कुछ नहीं बैठी होगी, ऐसे बैठे बैठे कुछ चल रहा है, धीरे से शॉट ले लेगी उसके पीछे वॉइस, और क्या भाई हम तो ऐसे ही शूट करें, आप करो फिर कुछ एक प्लेट का शॉट ले लेगी, फिर कुछ एक वहां पे शॉट ले लेगी, फिर कुछ एक कोई चाय आ जाएगी तो, और फिर जब वीडियो में देखो सबके पीछे व्यूज डाल के इतना फ्लॉलेस, हम अभी सोच ही रहे होंगे कि अरे 2 मिनट आए और 6 मिनट डालने इसका लाइव भी हो जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ इतनी दिन बाद सोचने के बाद कि क्या करें क्या करें क्या करें 15 मिनट तो इनके अंदर इतना ज्यादा कुछ कहने के लिए होता है कि इनसे मिल जाता है कंटेंट मुझे। अच्छा है, पर ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सब लोग हमसे बोलते हैं कि शोएब भाई आपके ब्लॉग्स इतने छोटे ही होते हैं, आप आधे आधे घंटे के ब्लॉग्स बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे का ब्लॉग का डिपार्टमेंट सबक है, 15 मिनट। चलो आप सबको थैंक यू, सबका तो खैर बहुत ज्यादा रो रहा है यहाँ तक पहुँचने में, तो आप सबको थैंक यू। रेहान भूत तो नहीं होगा यहाँ? आज उन लोगों को आया रेहान, देख वहाँ पे क्या दिख रहा है, वो ऊपर दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ वहाँ, देख वो कौन बैठा है वो पेड़ के ऊपर, वो हेलो कर रहा था मैं, रेड रेड आईज, बाय, रेड रेड आईज, कहाँ रेहान, वो उसके हाथ लटके हैं, कहाँ, वो उधर इधर देखा, इधर आ पास, इधर से इधर से इधर से इधर, दिखाओ ना कहाँ है वो, रिजा देख वो पेड़ के पास, वो रेड रेड, कहाँ पेड़, रिजा मैं जा रही हूँ, रिजा मैं जा रही हूँ, किधर है रेहान, चल इधर है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या, तुम्हारे पास आ रहा है, रिजा चल, रिजा इसी के पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, आजा इसके पास, ये लोग एक पीछे देख लग जाए, अरे दिमाग खराब है क्या आप लोगों का, रिजा इसी येलो कलर के वजह से ज्यादा दिख रहा है, रेहान तो पागल हो गया आप लोग, रिजर्व जा, 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 एक मिनट बंद करो, बंद करो पहले, और रोशनी चल रहा है, रिजर्व इससे दूर रहो, इसके पास आ रहा है, मम्मी इनको मारो, पकड़ के इनको मारो, इनको मारो, मारो इनको, जा अंदर, तुम ये मत पहन के आओ, क्यों, कुछ तो कलर की वजह से दिखता है उन लोगों को, आज लूनर इक्लिप्स भी था, आज लूनर इक्लिप्स भी था, शिट पागल हो गया, लूनर इक्लिप्स गया अब, नहीं रे लूनर नहीं बोला था क्या, तो हमसे दूर रहो, तुम्हारे वैसे हमारे पास भी आएगा, रिजार्टो से रिजार्टो से तुम क्या सिक्योरिटी को बुला के लाते हैं, रिजा तुम क्यों नहीं, हमें ऐसे रात के अकेले घूमना नहीं चाहिए, वैसे ही बोलते हैं 12 बजे के बाद, हाँ 12 बजे के बाद तो बाहर और घूमना चाहिए, लेकिन आज तो चलो ये क्लियर होगा कि तुम दोनों डरपोक हो, तुम फिट, ये सब क्या मम्मी, रेहान करते हैं तुम, अब कोई सोएगा कैसे नीचे, अंदर घुसो दरवाजे से, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, क्या उनको दरवाजा नहीं खोल सकते क्या, जो कर ले क्या मतलब, वो अभी तुम्हारे बगल में खड़े हो, अब रेहान को मस्ती सोच रही थी तो भाई भाभी को डरा रहा था बाहर विंडो से और पकड़ा गया, ये क्या है खूफिया भूत,
पकड़ा गया। सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं और सबने मुझे घर में इतना अप्रिशिएट किया, सब इतना मेरी खुशी में खुश हुए। और आपको तो पता ही है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक मेरे घर की फैमिली और आप मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हम जो भी सोच समझ के कंटेंट बनाते हैं, सोचते हैं आज क्या दिखाना है, आप सबको कितना अपने तरफ से ज़्यादा फ्रेश फील करा सके, पॉजिटिव फील करा सके या फिर आपको हंसा सके, इतनी कोशिश करते हैं और आप सबको अच्छा लगता है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आज हमारा यहाँ पे डे सेकंड भी खत्म हो गया, इस तरह गुजरा जहला में हमारा डे टू। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तो बेवजह डर गए, जबकि ये प्रैंक में मेरे साथ थी, हम लोगों ने नीचे आके प्लानिंग भी किया कि हम रेहान के साथ ऐसे करेंगे और ये खुद ही डर गई। क्यों डरी तो? वो एक तो लाइट ऑफ थी, ऊपर से रेहान भी येलो टी शर्ट बार बार बोला तो वो तुम्हें पता था मैं जानबूझ के कर रही थी, येलो कलर से कुछ नहीं होता है, भूत भूत कहीं नहीं होते। हम तीनों बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ नहीं, एक तीसरे के साथ है। तीन लोग हैं ना, तीन है। तो अभी हम लोग सो रहे हैं, इंशाल्लाह हम कल आपसे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और जो भी है उसका। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एक बार, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। बाय।